हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो थोड़ा सा घर की जो है दिवाली की सफाई चल रही थी, जिसकी वजह से मैं दो दिन से वीडियो शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी बिकॉज बहुत से लोगों के मेरे लैंड मैसेज आ रहे थे कि सुगम आपके वीडियोज नहीं आ रहे हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले देना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज उसका जो नेक्स्ट वीडियो वो है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गरबा चौथ में कौन सा गिफ्ट दिया, और ऑसम सा गिफ्ट दिया है, बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज या कल मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि एडिट हो जाएगा तो मैं अभी शेयर कर दूंगी। तो फटाफट से जो है चेकआउट करिए जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है चैनल का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, करवा चौथ जा चुका है, दीपावली आने वाली है, और दीपावली में आई थिंक कोई भी अपने आप को खाने से रोक नहीं पाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को मैदे से खाना को नहीं रोक पाएंगे, या फिर मीठा खाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आई नो, मैं पूरी तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ कि फेस्टिवल सीजन में आप मिठाई से दूर नहीं रह सकते, आप मैदे से दूर नहीं रह सकते। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इन सारी चीजों से अगर आप दूर नहीं रहोगे तो आपकी आंतें पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगी, आंतों में पूरी तरह से गंदगी की पड़ चली जाएगी। और हमें क्या करना है कि हमें उन आंतों को रगड़ रगड़ के साफ करना है, जस्ट लाइक जैसे आप अपने बर्तनों को स्कॉच ब्राइट से साफ करते हैं। तो जी हाँ, मैं इसीलिए इस वीडियो को, पहले और सारे टॉपिक थे लेकिन इस वीडियो को मैंने इसलिए भी लाना जरूरी समझा, बिकॉज कि फेस्टिवल सीजन आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ, फेस्टिवल सीजन में आपको पेट की दिक्कत ना हो, फेस्टिवल सीजन में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, फेस्टिवल सीजन आप बहुत अच्छे से इंजॉय करो, ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ जाओ। तो जी हाँ, आज मैं बताऊंगी कि स्कॉच ब्राइट की तरह आप अपने आंतों को किस तरह से रगड़ रगड़ के साफ करिए। तो बहुत ही अच्छा सा है, सिर्फ आपको फिलहाल इसे 3 दिन लेना है, इससे ज्यादा आप मत इसे प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत गहराई से, बहुत ही ज्यादा गहराई से साफ करेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जस्ट लाइक स्कॉच ब्राइट की तरह साफ करेगा, और मतलब बहुत ही अच्छे से साफ करेगा। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा और देखिएगा किस तरह से झट से आपका जो है वो वेट गिरेगा। यानी कि अगर आप 60 पे स्टैंड कर रहे हो तो आप 52 पे स्टैंड करने लगोगे, अगर आप 80 पे स्टैंड कर रहे हो तो आप 70 पे स्टैंड कर लोगे, जस्ट लाइक 3 डेज में। तो इतना सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ, और मैं सस्पेंस भी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी तो मैं यहाँ नहीं दिखा दूंगी, आगे ही दिखाऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है सुहागा, यानी कि बोरेक्स। पंसारी की दुकान पे जाइए, 20 रुपए का लेके आइए, बहुत आसानी से मिल जाएगा, इस तरह से दिखता है। इसे आप घर में मिक्सी में पीस लीजिए, कूट लीजिए, देन उसके बाद आपको इसे तवे पे रोस्ट करना है। जब आप इसे तवे पे डालेंगे तो ये हल्का सा पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ने के बाद आप इसे रोस्ट करिए, जब चिट-चिट की आवाज आना बंद हो जाए देन ये पक गया है, ये ध्यान रखिएगा। रोस्ट हो जाएगा तभी आप इसे अच्छे से खाइएगा, पानी छोड़ने का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो रोस्ट करने का तरीका यही है और ये फूलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सुहागा को आपको लेना है, आपको इसके लिए दो, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, 2 चम्मच आपको सिर्फ पानी लेना है, और उसके बाद ये सुहागा है, मैंने इतना रोस्ट करके रख लिया था, कांच के बर्तन में रखिएगा, चने के दाने के बराबर आपको सिर्फ सुहागा लेना है और इसे ऐसे मिक्स करके आपको पी लेना है। शुरुआत के 3 दिन आपको खाना खाने के पहले लेना है, सुबह यानी दोपहर में और रात में। खाना खाने के 10 मिनट पहले आप इसे ले सकते हैं, और 3 दिन बाद अगर आप इसे प्रिफर करते हैं, आपको लगता है कि अभी भी है पेट में कुछ, तो आप 3 दिन, वरना 3 दिन इनफ है आपको इसे साफ करने के। लेने का तरीका जैसे मैंने बताया वैसे लीजिएगा, और इसे रोस्ट बहुत अच्छे से करिएगा, जब चिट-चिट की आवाज़ आना बंद हो जाए इट मीन्स कि आपका सुहागा पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो 2 चम्मच पानी में सिर्फ चने के दाने के बराबर आपको इसे लेना है। तो एक बार लीजिए और देखिए कि इसका असर कितना ज़्यादा अच्छा और मैजिकल होने वाला है। यहाँ पे एक चीज मैं बहुत ध्यान से बताना चाहूंगी कि ये जो सुहागा है ये अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए, विदाउट रोस्ट
नहीं होना चाहिए और ये जलेगा कभी नहीं, क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप तवे पे इसको चाहे जितनी देर डाले रहिए कभी नहीं जलेगा। तो इसे अच्छे से जब रोस्ट हो जाए, पानी भी छोड़ेगा, जब चट चट की आवाज अच्छे से आने लगे, देन इट मीन्स कि ये आपका अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो किस तरह से खाना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।